तो गाइज आज है 1 तारीख और लग चुका है हमारा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज सभी को हैप्पी न्यू ईयर जितने बंदे इस वीडियो पे आए हैं। एंड गाइज देखो अभी आ चुका है हमारे गेम में एक बुइया पास, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ उस बुइया पास को परचेस करूंगा और उसके साथ में जो उसके मिशन है जितने भी मिशन है वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज थे कि ये आर्सेनल कैसे ओपन करना है 5 टाइम, ये सब क्या है, क्या 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 है, क्या मिशन है, सारे समझ में नहीं आ रहे, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई मैं लेकर आ गया हूँ उसके ऊपर वीडियो। देखो गाइस सबसे पहले अपन कर लेते हैं बुइया पास परचेज, बट हम लोग डायरेक्टली 500 डायमंड फूक के बुइया पास परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गेम में आया हुआ है ये वाला इवेंट बुइया पास का, एंड मेरे पास ऑलरेडी भाई 33 टोकन है, तो हम लोग इसमें स्पिन मार के जो है अपने टोकन निकाल के यहाँ से एक्सचेंज कर लेंगे बुइया पास, तो हमारा जो कि है सस्ते में थोड़ा सा निकल सकता है। तो देखते गाइस कितना डायमंड हमारे खर्च होता है। सबसे पहले अपन 1 9 का स्पिन लगा देते हैं, देखते हैं 9 के स्पिन में निकलता है या नहीं निकलता है। तो यहाँ पे तो हमारा भाई हमको 3 टोकन दे दिया, चलो वैसे तो भाई मिनिमम मेरे को पता है 300 से 400 डायमंड तो इसमें भी लगने वाले हैं, बट 100 डायमंड भी बचेंगे तो बचेंगे ही, तो सीधा भाई 90 का स्पिन लगा देते हैं, ठीक है 90 का स्पिन मार देते हैं, और भाई 3 टोकन निकल गए, 1 टोकन निकला है, और फिर से 3, फिर से 3, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 3, फिर से 1 2 1। भाई देखो भाई ये लोग तो दिखाते ही हैं भाई, हाथी के दांत दिखाने के और चखाने के और, ठीक है यही सब इनका सीन है। 10 टोकन यहाँ पे दिखा देंगे, बीच में बुइया पास दिखा देंगे, बट ये लोग देते नहीं है। तो गाइज हमारे पास 100 डायमंड हमको खर्च करते ही गाइज हमारे पास हो चुके हैं 57 टोकन, थोड़े से टोकन हम लोगों को मिले। फिर से 90 का स्पिन मारते हैं, देखते हैं क्या इसमें निकलता है। ओके 1 टोकन 1 टोकन, अरे भाई कोई 10 भी दे दो भाई, एक बार दे दो बस 10 भाई, सीधा हमारा जो है 100 डायमंड बच जाएंगे। अरे भाई 3 3 दे रहे हैं, चलो कोई ना, 5 टोकन भी नहीं दिए भाई अभी तक इन्होंने। तो गाइस चलो हमको कुछ ऑलमोस्ट 15-20 टोकन और मिल गए, एंड भाई एक और 90 का स्पिन मारते हैं, देखते हैं कितने डायमंड और लगते हैं हमने। अभी तक हमारे 300 डायमंड खर्च हो चुके हैं, ठीक है भाई ये ज़्यादा कटने वाला है यार, 500 डायमंड से ऊपर जाने वाले मेरे को ऐसा लग रहा है। क्यों 2 2 टोकन दे रहे हैं भाई, 2 1 2 1, अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हद कर दी भाई इन्होंने। चलो कोई ना, ठीक है हमारे पास 89 टोकन होगा, एक और मारते हैं 90 का स्पिन, ठीक है। अरे 10 टोकन दे दिए, शायद से 10 टोकन मिले हैं ना, 1 टोकन 2 टोकन 2 1 2, क्या चल रहा है भाई ये, 10 टोकन नहीं मिले यार, नहीं मिले हैं गाइस 10 टोकन मिले हैं। चलो भाई हमारे पास अच्छे खासे टोकन हो गए, 113 टोकन हो गए, आई थिंक सो हमको 90 डायमंड उड़वाने पड़ेंगे और हमको टोकन जो हमारे पूरे हो जाएंगे। तो 90 का स्पिन और मारते हैं, एंड देखते हैं क्या हमारे टोकन पूरे हो जाते हैं। 11 स्पिन हम लोगों को मिले हैं, चलो भाई चलो चलो चलो, और बचे हैं 2 3 स्पिन। ओके 2 टोकन 3 टोकन 1 टोकन, और भाई हमारे पास हो चुके हैं शायद से टोकन पूरे। ओके गाइज 5 टोकन हमारे पास फालतू हो गए। ओके तो गाइज अभी कर लेते हैं हम लोग बुइया पास को एक्सचेंज, एक्सचेंज वाले सेक्शन में जाते हैं, एंड यहाँ पर हम लोगों को बुइया पास मिल रहा है नॉर्मल वाला, ठीक है। तो गाइज इसको कर लेता है जल्दी से एक्सचेंज। ओके गाइज हमने खरीद लिया है बुइया पास, हैं ये क्या हुआ भाई, सोल्ड आउट भाई, एनिमेशन वैनिमेशन तो दे दो भाई, तुम तो डरा ही रहे हो भाई सीधा। ओके गाइज बुइया पास हमारा अपग्रेड हो चुका है, एंड हम लोगों ने बुइया पास खरीद लिया इस बार का भी। हमारे टोटल गाइज हम लोग शायद से 7 महीने से लगातार जो है अपना बुइया पास खरीदते हुए आ रहे हैं। ओके हम लोगों को रिवार्ड भी मिल गया, इधर से पैट बॉक्स में मिला जिसमें से हम लोग एक पैट एक्सचेंज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ भी पैट वगैरह ले सकते हैं, बट मैं अभी नहीं लूँगा, कैंसिल पे दबा देते हैं, जब मेरे को कोई अच्छा पैट लगेगा तब मैं एक्सचेंज कर लूँगा, ठीक है। ओके इसको कर लेते हैं क्लेम, AC80 की स्किन मिली है 30 दिन के लिए, इसमें क्या प्लस है पता नहीं। और आगे गाइस ये देख सकते हो ये वाली स्किन भी है इसमें, और ये लड़की का बंडल है जो कि मेरे को ठीक ही लगा भाई, इतना बेकार भी नहीं है। ऊपर लूट बुक्स है जो कि बेकार, ऊपर वाले आइटम तो मोस्टली बेकार ही होते हैं, स्किन सही है बस। ये बैनर सही है इस बार का। ओके ये लड़की का बंडल ये है गाइस, लूट बॉडी भी ठीक ठाक है, उतनी कुछ अच्छी नहीं लगी, सही है, बट कार की स्किन कतई बेकार है भाई, बिल्कुल ही रद्दी है, कुछ बिल्कुल भी काम की नहीं है। बंडल लड़के का सही है, ऊपर पजामा सा दे दिया, ये भी बेकार है। ये वो बॉक्सेस दे रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। इधर ये क्या है भाई, अच्छा टोकन है उसके अपग्रेड करने के, तो और क्या है भाई, और क्या है, इधर टोकन वगैरह दे रहे हैं ये लोग, ये वाली स्किन मिल जाएगी भाई। गाइस बुइया पास मेरे को ठीक ठाक सा लगा, ठीक है आगे चल के देखते हैं इसमें कौन से बंडल आए हैं भाई। इसमें ये इमोट मिल रहा भाई लास्ट में, अरे भाई ये इमोट अच्छा है भाई, इमोट अच्छा है भाई, ओ भाई क्या इमोट है भाई, इमोट अच्छा है गाइस, इमोट अच्छा है, नो डाउट गाइस इमोट अच्छा है इस बार का, ठीक है।
ओके इस वाले में ये वाला हमको मिल सकता है, ये वाला भुया पास का आइटम अगर हम क्रिएट ओपन करेंगे तो गाइज अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसके जो है मिशन वगैरह क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये नॉर्मल मिशन है, ये तो भाई डेली तुम्हारे सेम रहने वाले हैं। लॉग इन करना है तुमको डेली, तो उसके बदले में तुमको 36 EXP मिल जाएगी। तो गाइज जो सेकंड मिशन है वो है प्ले द गेम फॉर 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट तुमको गेम खेलना है। ठीक है, दूसरा है 2 मेडकिट यूज़ करनी है किसी भी मोड में, 2 ग्लूवॉल यूज़ करनी है किसी भी मोड में, 30 मिनट गेम खेलना है, BR या CS के 2 मैचेस खेलने हैं। ठीक है, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हो जाते हैं। एंड गाइज जो फर्स्ट वाला मिशन होता है स्पिन करना है हमको 30 टाइम किसी भी रॉयल में, तो हमारा फर्स्ट वाला जो मिशन है वो कम्प्लीट हो चुका है, इसको क्लेम कर लेते हैं। तो भाई इस तरीके से अगर तुम लोग नॉर्मल जो अपना गोल्ड रॉयल होता है ना उसमें भी स्पिन करोगे तो भी ये मिशन तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, फिर गाइज जो है यहाँ पर आर्सेनल ओपन करना है, ये वाला जो मिशन है ना, ये वाला ये जो पहला नंबर का आ रहा है इसमें तुमको 5 बार आर्सेनल ओपन करना है, जो कि कर सकते हो तुम BR में या फिर क्लासिक में भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। फिर तुमको 10 टीम मैचेस खेलने हैं, यानी कि टीम में स्क्वाड वाले मैचेस खेलने हैं, वो तुम्हारा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है तुम्हारा प्ले द गेम फॉर 30 मिनट, मतलब 300 मिनट, यानी कि तुमको 6 घंटा गेम खेलना है। ठीक है, 5 घंटा गेम खेलना है तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा प्ले द गेम फोर्ट। ये तो हो गया, चलो इन CS मोड कंप्लीट 20 मैचेस, यानी कि तुमको 20 मैचेस खेलना है CS के। फिर गाइज नीचे है तुम्हारा CS मोड डील, 5000 का तुमको डैमेज देना है। फिर गाइज ये तुम्हारा स्पिन वाला तो कंप्लीट हो ही चुका है। फिर गाइज सेकंड वाले सेक्शन में चलता है, यहाँ पर सेम मिशन है गाइज, आर्सेनल ओपन करना है तुमको 5 बार। फिर गाइज यहाँ पर CS रैंक है, CS रैंक खेलने तुमको 10 मैचेस, फिर प्ले 30 मैचेस, 30 मैचेस खेलने हैं अपने, तुम लोग किसी भी मोड के खेल सकते हो, यूज़ 8 मेडिकेट इन BR। ठीक है, तो भाई BR में तुमको 8 मेडिकेट यूज़ करनी है, तो ये वाला मिशन भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इन BR मोड सर्वाइव फोर्ट मोर देन 300 सेकेंड, यानी कि 300 सेकेंड यही मान लो 5 मिनट से ज़्यादा तुमको सर्वाइव करना है 10 टाइम्स, यानी कि 5-5 मिनट तुमको 10 बार सर्वाइव करना है तो तुम्हारा जो है मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन क्लैश स्क्वाड यूज 20 मेडिकेट, यानी कि क्लैश स्क्वाड में 120 मेडिकेट तुमको यूज़ करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ये हो जाएगा भाई 1 से 2 वीक में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और तुम जितना ज़्यादा क्लैश स्क्वाड खेलोगे उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर गाइस ये है आर्सेनल, 3 टाइम ओपन करना है, लॉग इन 7 डेज, 7 दिन तक लॉग इन करना है। इन BR मोड एलिमिनेट 10 प्लेयर, यानी कि 10 प्लेयर मारने तुमको BR मोड में। इन क्लासिक रैंक मोड एलिमिनेट 30 प्लेयर, क्लासिक या फिर रैंक गेम में तुमको यहाँ पे 30 बंदे मारने हैं। CS मोड डील मतलब 1000 का डैमेज, 1000 है, 1000 का डैमेज देना है तुमको CS मोड में। फिर यहाँ पर 30 प्लेयर मारने हैं हेडशॉट से। ठीक है, क्लैश स्क्वाड के अंदर। फिर जो अपना फोर्थ वीक रहेगा उसमें तुम्हारे जो है सेम है डिफेंस एयरड्रॉप तुमको कैप्चर करने, यानी कि डिफेंस एयरड्रॉप वाले होते हैं जो हम लोग BR में चार्ज करते हैं, जैसे 1 लेवल पे चार्ज करेंगे, 3 लेवल तक उसको चार्ज करते हैं हम उसके पास खड़ा होकर। चाहे तो आप इनको बदल भी सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके इनको चेंज भी कर सकते हो। ये वाला अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो उसको 2 टाइम तुम लोग इसको चेंज भी कर सकते हो, CS में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम्हारे अलग मिशन में तुमको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, फिर गाइज ये है अपना यहाँ पर इन CS रैंक एलिमिनेट 10 प्लेयर, यानी कि CS रैंक में तुमको 10 प्लेयर मारने हैं। और फिर गाइज इन BR मोड फिनिश 8 गेम, यानी कि BR के तुमको 8 गेम खेलने हैं, ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रैवल 10,000 मीटर, 10,000 1 लाख है, 1, 10, 100, 1000, यानी कि 10,000 मीटर तुमको चलना है, जो है तुमको पैदल भागना है। ठीक है, 10,000 मीटर पैदल, गाड़ी वाड़ी से नहीं चलना है, पैदल तुमको चलना है, तो ये वाला मिशन भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन CS इन क्लैश स्क्वाड मोड डिप्लॉय 10 ग्लूवॉल्स, यानी कि क्लैश स्क्वाड के अंदर तुमको 10 ग्लूवॉल यूज़ करनी है, मतलब डिप्लॉय करनी है, तो तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इन क्लैश स्क्वाड एलिमिनेट 50 प्लेयर, क्लैश स्क्वाड के अंदर तुमको यहाँ पर 50 बंदे मारने हैं, तो ये वाला मिशन भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से गाइस मिशन थे, एंड आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा पर मेरे को फॉलो कर लेना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो गाइस मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।